दोस्तों जय सियाराम, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको ऐसी जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं, आप सभी को जानकारी देंगे जिसके लिए आप लोग लगातार यूट्यूब में, गूगल में, मोबाइल के द्वारा परेशान रहते हैं लेकिन उस जगह का पता नहीं पा रहे हैं। तो उसकी व्यवस्थित और संपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से उस स्थान तक, मोरध्वज आश्रम स्थान तक व्यवस्थित तरीके से पहुंच जाएंगे। और कितना खर्चा लगेगा, कैसे आए, कहां से आ रहे हैं, तो कौन सी ट्रेन हमें मिलेगी, उन सभी जानकारियों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जो जानकारी मिलेगी वह व्यवस्थित मिलेगी, सुंदर मिलेगी। बार बार किसी को फोन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आप फोन लगाते हैं, कोई रिसीव करता है, आप हम ही को लगाते हैं, तो हम बार बार आपको जानकारी नहीं दे पाते हैं क्योंकि मोबाइल फोन के माध्यम से यदि है तो लग जाता है, नहीं तो परेशानी का विषय बनता। तो आप किसी को फोन करने का आवश्यकता नहीं, आप उस स्थान तक इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि हम मोरध्वज आश्रम के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो मोरध्वज आश्रम जो है गुप्त गोदावरी एक स्थान है, वहां पर पड़ता है। लेकिन उन सब विषयों को देखेंगे, जैसे यदि आप रेलवे या ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो दो तीन रेलवे स्टेशन आपको मिलेंगे। पहला रेलवे स्टेशन है सतना, मध्य प्रदेश रेलवे स्टेशन, बड़ा रेलवे स्टेशन है। वहां से उस मोरध्वज आश्रम की दूरी है 70 किलोमीटर। दूसरा रेलवे स्टेशन है जो मानिकपुर चित्रकूट धाम इस नाम से है, दूसरा रेलवे स्टेशन, वहां से आपका लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी मोरध्वज आश्रम की है। तीसरा जो नियर है वह चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश इस नाम से रेलवे स्टेशन है, चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन है जहां से मोरध्वज आश्रम की दूरी है मात्र और मात्र 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और करीब लगभग 30 से 35 किलोमीटर भी हो सकता है चित्रकूट की दूरी। तो यह तीन रेलवे स्टेशन हैं। इन तीन रेलवे स्टेशन के माध्यम से यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आ सकते हैं, यदि आप कहीं कानपुर से, लखनऊ से या किसी भी क्षेत्र से आते हैं तो आप चित्रकूट ही पहले आएंगे। यदि आप करवी के मार्ग से आते हैं तो आपको रामघाट होते हुए जानकी कुंड स्थान से, रामघाट जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको यूपी की ऑटो उतार देगी। यदि आप ऑटो से हैं, अपने साधन से हैं, तो आप यदि अपने साधन से हैं तो आप रामघाट जानकी कुंड सतना वाली रास्ता के मार्ग से होते हुए बाईपास जब आप सती अनसुईया गुप्त गोदावरी पहुंचेंगे तो आपको गुप्त गोदावरी वाले मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर आगे जाना है। एक प्राथमिक विद्यालय है पाल देव नाम से गांव है जो सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है, उस स्थान के पास जब आप पहुंचेंगे तो वहां से लगभग आप पहाड़ जहां पर महाराज का आश्रम है, मोरध्वज आश्रम है, जहां पर आप संत हनुमान दास से मिलना चाहते हैं उसकी दूरी है लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है। यदि आप पर्सनल साधन से हैं तो जा सकते हैं, यदि आप ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो बुक किए हैं तो आप वहां तक जा सकते हैं। वहां पर किसी से भी पूछ लेंगे मोरध्वज आश्रम का पता तो वह आपको विस्तारित बता देंगे। ऑटो वाले व्यवस्थित तरीके से रामघाट में ही आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उचित बात करके आप बुक कर सकते हैं। और जनरल भी ऑटो जाती है, ऐसा नहीं कि आप ऑटो वाले आपको परेशान करते हैं, तो ऑटो ऐसे भी जनरल जाती है जिनके माध्यम से आप जा करके आप वहां पहुंच सकते हैं। और व्यवस्थित जो जानकारी थी, और आप जैसे यदि आपको वास्तव में नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें संपर्क करेंगे लेकिन मोबाइल के माध्यम से मात्र एक बार फोन करिए और मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। शेष आपको व्यवस्थित जो जानकारी है वह हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से लिख देंगे। और यदि आप सतना की मार्ग से आते हैं तो आपको सतना से यदि आप आते हैं तो आपको पहुंचना है गुप्त गोदावरी के पास, उतर लेना है यदि आप बस से हैं, अगर आप साधन से अपने हैं तो गुप्त गोदावरी सती अनसुईया का मार्ग वहां पर चौराहा टाइप पड़ता है, वहां पर आप रुकेंगे, उसी बाईपास के माध्यम से सीधा आप गुप्त गोदावरी
मार्ग में जाएंगे। पुनः मैंने बताया था कि पाल देव गांव ही वहां से भी पहुंचेंगे और आप वहां पहुंच करके पाल देव के पहले से पहाड़ के किनारे एक स्कूल सरकारी बना है, वहां से भी रास्ता एक गई है बगल से निकल करके, और दूसरा जो वो लेकिन वहां थोड़ी सी कच्ची है तो बरसात में वहां जाने में थोड़ा सा दुर्गम रास्ता हो जाएगा। गांव के अंदर जब आप जाएंगे थोड़ा सा बाहर की ओर निकलेंगे तो बगल से मोर ध्वज आश्रम के लिए रास्ता पक्की संपर्क मार्ग बनी हुई है, आप उससे जाएंगे तो और भी व्यवस्थित तरीके से पहुंच जाएंगे। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, आपको उत्तर मिलेगा। यह थी हमारी मोरद ध्वज आश्रम जाने की संपूर्ण जानकारी। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम। दोस्तों, यदि आप बस से आते हैं कानपुर लखनऊ से या इलाहाबाद प्रयागराज से, तो वहां से आते हैं तो आप रोडवेज इत्यादि से बैठ करके भी आ सकते हैं। दिल्ली से आते हैं तो वैसे भी बहुत सारे प्रायः जो है ट्रेन से ही लोग आते हैं, लेकिन यदि बस से आते हैं तो भी आप, यदि एमपी से आएंगे तो सतना से बस डायरेक्ट आती है यहाँ चित्रकूट के लिए, सतना बस स्टैंड करवी चित्रकूट धाम का अलग अलग सिस्टम है। इसलिए एमपी से जब सतना से आएंगे तो सतना से आप सतना होते हुए सतना बस स्टैंड चित्रकूट जानकी कुंड के बगल से बिल्कुल लगा हुआ है, तो आप वहां पर गुप्त गोदावरी के पास उतरेंगे जब सतना से मार्ग से आएंगे और गुप्त गोदावरी से जाएंगे वहां। और यदि आप यूपी से आते हैं या मतलब करवी चित्रकूट धाम होकर के आते हैं तो आप करवी आएंगे, करवी से बस से उतरेंगे, वहां से ऑटो रिक्शा लेंगे, ऑटो रिक्शा आपको रामघाट उतारेगा, रामघाट से फिर ऑटो रिक्शा लेंगे, बुक कर सकते हैं और नॉर्मल भी आ सकते हैं। तो रामघाट से जब आप आएंगे तो सीधा गुप्त गोदावरी के लिए आप बैठेंगे, बीच में ही पाल देव नाम एक गांव पड़ता है, पहाड़ के बगल से किनारे से लगा हुआ, वहां उतरेंगे, बाईपास वहां से लगा हुआ है, सीधा आप मोरद ध्वज आश्रम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं और साधन है तो आप वहां से जा सकते हैं। तो यह थी आपको बस की जानकारी। अब हम बात करते हैं फ्लाइट की। यदि कोई हवाई जहाज प्लेन इत्यादि से आना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3 ऑप्शन में ही है। पहला आपका हवाई अड्डा है जो आपका प्रयागराज में, वहां उतरेंगे, वहां से आपको चित्रकूट के लिए रोडवेज बस इत्यादि से आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं। यदि आप दिल्ली से आते हैं तो भी आप प्रयागराज ही उतरेंगे क्योंकि और पास में कोई हवाई अड्डा यहाँ पर नहीं है, लखनऊ है, कानपुर है और प्रयागराज है, 3 ही यहाँ पर हवाई अड्डा है। चित्रकूट का है लेकिन वो अभी चालू नहीं है। तो यह थी आपको विस्तृत जानकारी। दोस्तों, अगर आप लोगों को विशेष यह भी ध्यान देना कि वहां पर यदि कोई स्वस्थ हो रहा है, सही हो रहा है, यदि हनुमान दास जी के यहाँ से जो दवा करा रहे हैं उनका अच्छा हुआ, स्वस्थ हुआ, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो विशेष अपील है कि आप इस वीडियो में कमेंट करिए कि आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, और तो इससे और भी लोगों को एक जानकारी प्रदान हो सकती है और भी लोगों का वहां जाने के प्रति एक प्रगाढ़ता बढ़ सकती है, इससे अच्छा होगा। अतः आप लोग कमेंट जरूर करिए, यदि कोई वीडियो देख रहा है और वो स्वस्थ हो चुका है, उसे लाभ मिला है, यदि वहां से मोहरद ध्वज आश्रम से हनुमान दास जी से दवा करवाया है, लिया है, या उनकी कोई चमत्कारिक शक्ति उनके काम की है, तो यह जरूर बताने का प्रयास करिएगा ताकि और भी लोगों को यह चीज जानकारी प्रदान होगी तो लोगों का भला होगा। और इसके माध्यम से और चित्रकूट के और भी संतों के पास बहुत बड़ी चमत्कारिक चीजें हैं, अगर कुछ और भी चीजें मिलती हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी तक हम इस विषय हमारा यह था कि आपको मात्र और मात्र जानकारी, बार बार फोन करते थे, कमेंट करते थे कि चित्रकूट की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आपको मोरद ध्वज आश्रम जाने की जानकारी हमने प्रदान की है जो इस वीडियो के माध्यम से लगातार दिया गया। जय सियाराम। हम वही दिखाएंगे जो सच होगा, सही होगा। यदि किसी भी स्थान से किसी का भी भला होगा तो वह हम जरूर दिखाते हैं, और हमारा प्रयास होता है कि जिस जगह से लाभ हो, जिस जगह से कुछ चमत्कारिक प्रक्रियाएं हों, जिस जगह से दुखी व्यक्ति का मन सुखी हो, स्वस्थ हो, बीमार ही व्यक्ति जो है रोग मुक्त हो, अगर ऐसी जगह हमें कहीं भी थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है तो उस जगह को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको भी कहीं भी और भी प्रसिद्ध स्थान है, आप वीडियो कमेंट जरूर करिएगा,
ताकि वहां पर भी लोग श्रद्धालु जा सके और उनका भला हो सके। धन्यवाद। जय सियाराम।